हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो कि रिलेटेड रहेगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से। इसके पहले हमने पावर प्लांट में थर्मल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट देखा था, जिससे कि हमने प्राइम सोर्स कोल यूज़ किया था। कोल को जला के हमने वाटर को हीट किया था और जो वाटर की स्टीम है वो हमने टर्बाइन पे दी थी, और टर्बाइन रोटेट करने के बाद हमारा अल्टरनेटर रोटेट हुआ और इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हुई। मतलब थर्मल पावर प्लांट में क्या हुआ कि हमने कोल को बर्न किया, कोल बर्न होने के बाद उसकी हीट क्रिएट हुई और वो हीट से वाटर जो है वो वाटर की हीट हो गई, वहाँ से स्टीम मिला। स्टीम मिलने के बाद वो स्टीम हमने टरबाइन पे दी और टरबाइन से हमारा अल्टरनेटर रोटेट हुआ और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हुई। ठीक है, उसी तरह से हमने न्यूक्लियर पावर प्लांट में देखा था कि उसमें यूरेनियम को जलाया था। यूरेनियम जलने की वजह से हमें वहाँ पे हीट मिली, हीट मिलने की वजह से वाटर भी हीट हुआ, वाटर हीट हुआ तो उसके बाद में स्टीम हमें मिला। स्टीम मिलने के बाद जो स्टीम थी वो हमने टरबाइन पे डाल दी, टरबाइन पे हाई प्रेशर से छोड़ दी, और टरबाइन हाई प्रेशर से छोड़ने के बाद जो टरबाइन कपल था अल्टरनेटर से तो अल्टरनेटर भी रोटेट हुआ और वहाँ से हमें मिल गई इलेक्ट्रिक एनर्जी। उसी तरह से अब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, तो कहने का मतलब जो प्राइम सोर्स थर्मल पावर प्लांट में था वो कोल यूज़ हुआ, न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूरेनियम यूज़ हुआ, यहाँ से जो पोर्शन था वो सेम था। तो इसी तरह से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में भी हमें सिर्फ स्टडी करना है कि यहाँ पे जो प्राइम सोर्स यूज़ करते हैं वो कौन सा होगा। यहाँ से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में सिर्फ हम वाटर हीट नहीं करेंगे या फिर स्टीम नहीं होगा। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में क्या होगा कि जो फ्यूल है, यहाँ पे फ्यूल कोल था, यहाँ पे फ्यूल यूरेनियम था, यहाँ पे जो फ्यूल के हिसाब से हम जो यूज़ कर रहे हैं वो होगा वाटर, और ये जो वाटर हाई प्रेशर से हम डायरेक्ट टर्बाइन पे डालेंगे, और टर्बाइन पे डालने के बाद टर्बाइन रोटेट होगा, वो कपल रहेगा अल्टरनेटर से, और अल्टरनेटर रोटेट होने के बाद इलेक्ट्रिसिटी हमें मिल जाएगी। तो ये है हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो हम इस लेक्चर को शुरू करने से पहले देख लेते हैं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पे क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान है। सबसे पहले वो देख लेते हैं और हमारा क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके फ़ायदे क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले फ़ायदा तो यही है कि इसमें जो फ्यूल है तो हम वाटर को ही फ्यूल की तरह यूज़ करेंगे, वाटर को ही हम वाटर को ही हम फ्यूल की तरह इस्तेमाल करेंगे, और उसके वजह से क्या हो जाएगा, पोल्यूशन नहीं होगा, मतलब नो पोल्यूशन, मतलब किसी भी टाइप का प्रदूषण जो है वो नहीं होगा, और उसके वजह से हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो कैसे रहेगा, नीट एंड क्लीन रहेगा। मतलब नो पोल्यूशन तो हमारा एटमॉस्फेयर भी नीट एंड क्लीन हो जाएगा। उसके बाद में तीसरा क्या फ़ायदा हो जाएगा, तो इसका जो रनिंग कॉस्ट है, तो वो रनिंग कॉस्ट लो रहेगा, मतलब बहुत कम रहेगा। क्यों कम रहेगा, तो रनिंग कॉस्ट में हमें क्या है, फ्यूल, हम वाटर जो है वो फ्यूल की तरह यूज़ करें, जैसे थर्मल में हमें कोल का खर्चा लगने ही वाला था, न्यूक्लियर में यूरेनियम
खरीदने के लिए उसका भी कॉस्ट था, लेकिन यहाँ पे हम वाटर यूज़ कर रहे हैं, मतलब नेचुरल सोर्स यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा जो रनिंग कॉस्ट है वो बहुत लो हो जाएगा। लेकिन इसका डिसएडवांटेजेस भी है कि इसका जो इनिशियल, मतलब ये प्लांट बनाने के लिए जो खर्चा रहेगा, इनिशियल स्टार्टिंग का जो खर्चा रहेगा वो बाकी पावर प्लांट के कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा रहेगा, तो वो हम देखते हैं बाद में। उसके बाद में क्या होगा, ये पावर प्लांट इंस्टेंट स्टार्ट हो जाएगा। मतलब इमरजेंसी में सपोज़ मान लेते हैं कि कोई एरिया है वहाँ पे अभी 100 मेगावाट की रिक्वायरमेंट है जो हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन इमरजेंसी में कोई वहाँ पे एरिया में प्रोग्राम है और वहाँ पे 150 मेगावाट की रिक्वायरमेंट चाहिए, तो उस समय हम क्या कर सकेंगे कि इसको पीक लोड के तरह से यूज़ कर सकते हैं। मतलब पीक लोड के तरह से, मतलब 100 मेगावाट जो था वो हमारा एवरेज मेगावाट था, पीक मतलब मैक्सिमम जो पावर हमें चाहिए वो 150 चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, जो वाटर है वो वाटर का फोर्स टरबाइन पे ज़्यादा करके भेज देंगे, तो टरबाइन की स्पीड बढ़ेगी और स्पीड बढ़ी तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की तैयार होने की कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। और इंस्टेंट स्टार्ट मतलब इसमें करना क्या है, हम वाटर को डायरेक्टली टरबाइन पे छोड़ दे रहे हैं और हमारा पावर प्लांट, मतलब ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इलेक्ट्रिसिटी तैयार होने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन इसी के कंपैरिजन में हम थर्मल पावर प्लांट को देखें तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कोल को स्टोरेज करना पड़ेगा, उसके बाद में कोल को पल्वराइज करना पड़ेगा, मतलब उसका पाउडर करना पड़ेगा, फिर वो बॉयलर में डालना पड़ेगा, फिर बॉयलर का जो एटमॉस्फेयर है, जो टेम्परेचर है, वहाँ तक सभी पानी को वहाँ तक मेंटेन करना पड़ेगा, हीट को वहाँ तक मेंटेन करना पड़ेगा, और उसके बाद में हम वो पावर प्लांट स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए कम से कम थर्मल पावर प्लांट स्टार्ट होने के लिए 8 से 10 घंटे लगते हैं, लेकिन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट स्टार्ट होने के लिए इतना टाइम नहीं लगता, हम इंस्टेंट स्टार्ट कर सकते हैं, ये इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट एडवांटेज है। उसी के साथ ये पीक लोड के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट है ये जो वाटर है, ये वाटर को हम रीयूज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ इसके तोटे क्या है, मतलब हमने यहाँ पे एडवांटेजेस देखे थे, फ़ायदे देखे थे, अब हम इसके डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि इसका इनिशियल कॉस्ट, जैसे हमने देखा था कि रनिंग कॉस्ट इसका लो है, लेकिन इनिशियल कॉस्ट हाई रहेगा। क्यों हाई रहेगा, क्योंकि इसका कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो इसके लिए इसका कंस्ट्रक्शन करने के लिए स्टार्टिंग का जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा आता है। उसके बाद में ये हिली एरिया पे चाहिए, जो हिली एरिया पे रहता है, तो हिली एरिया पे रहने के वजह से ये लोड सेंटर के नज़दीक नहीं रहता, और लोड सेंटर के नज़दीक न रहने के वजह से ट्रांसमिशन लाइन लॉन्ग हो जाती है, तो ट्रांसमिशन लाइन लॉन्ग हो जाने के वजह से इसमें टावर का खर्चा बढ़ेगा, टावर पे लगे हुए इंसुलेटर का खर्चा बढ़ेगा, और जो लेंथ बढ़ गई तो उसकी वजह से जो कंडक्टर है वो कंडक्टर का भी कॉस्ट बढ़ जाएगा। मतलब राउंड फिगर हीरली एरिया पे होने की वजह से लॉन्ग ट्रांसमिशन से इस पूरे सिस्टम का कॉस्ट बढ़ जाएगा। उसी के साथ एक
डिसएडवांटेजेस और है कि इसमें जो लेबर लगेंगे वो स्किल लेबर लगेंगे, इसमें जो लेबर है वो स्किल लेबर रहेंगे, और जो भी स्किल लेबर है वो पेमेंट भी ज़्यादा मांगेंगे, तो इसके वजह से और यहाँ पे कॉस्ट बढ़ गया। मतलब इनिशियल कॉस्ट में सभी आ गया कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है जो इसका इनिशियल कॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है बाकी पावर प्लांट के कंपैरिजन में। तो इस क्लास में हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के जो फ़ायदे और तोटे मतलब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखे थे। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी जो मेन डायग्राम है उस डायग्राम के थ्रू इसके पूरे वर्किंग किस तरह से रहती है वो समझेंगे, और इसमें क्या क्या इक्विपमेंट्स लगते हैं, कौन से पार्ट्स होते हैं वो सभी हम अगले लेक्चर में देखेंगे जो कि डायग्राम के माध्यम से हम समझेंगे।